हेलो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है सरपट दौड़ती तेजो। तेजो सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। उसने कई मोटरसाइकिलों को अपने पीछे छोड़ दिया। तेजो गुनगुना रही थी, सर सर सरपट मैं दौड़ू, तेज तेज मैं चलती जाऊं, पीछे छोड़ू स्कूटर साइकिल, ट्रिंग 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 करती जाऊं। आज तो तेजो हवा से बातें कर रही थी। तेजो को दो जगह बहुत पसंद है, एक तो सड़क और दूसरा नहर का शांत किनारा। सड़क इसलिए क्योंकि उसे रेस लगाने में मजा आता है, और नहर इसलिए कि वहाँ इसके किनारे गिरगिट की तरह मस्त दौड़ती है। ऐसा लगता है जैसे बिजली चमकी हो। फिर बड़े बड़े पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव में उसे इतना मजा आता है कि वह घोड़े बेचकर सो जाती है। तेजो रोज दफ्तर जाती है। वह अपने साथियों से मिलकर खूब गप्पे भी मारती है। आज शाम तेजो किराने की दुकान पर गई थी। वहाँ से ढेर सारा सामान लेकर आई थी। दूसरे दिन तेजो को कहीं जाने का मौका नहीं मिला। अंधेरा हो गया था। आज का दिन तो बेकार गया। तेजो ने सोचा, कल जब घर से बाहर निकलूंगी तब जम कर दौड़ूंगी। कल का दिन आया। अरे, आज भी कहीं जाना नहीं हुआ। दूसरा दिन, तीसरा दिन, पूरा महीना बीत गया, लेकिन तेजो कहीं नहीं जा पाई। तेजो झल्लाकर घर के पीछे एक पुराने गैराज में खड़ी हो गई। पूरा एक साल बीत गया। तेजो का रंग फीका पड़ गया। उसकी झल्लाहट अब उदासी में बदल गई थी। अचानक एक दिन तेजो गैराज से बाहर आ गई। उस पर नया रंग चढ़ गया, ग्रीस लगी, उसके टायरों में हवा भर दी गई, और तो और एक नई चमचमाती घंटी भी लग गई। तेजो फिर चमकने लगी। अगले ही दिन उसके हैंडल पर एक टिफिन भी टंग गया था। तेजो एक बार फिर सड़कों पर सरपट दौड़ने के लिए तैयार थी। तो बच्चों, आपको तेजो की कहानी कैसी लगी, मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।